नमस्कार, मैं हूँ संतोष बुगालिया और आप देख रहे हैं टेक इंडिया। आज बात करेंगे कोरोना काल के बाद भारत में शिफ्ट हो रही इंटरनेशनल कंपनियों से भारतीयों को कितना फायदा होगा। ध्यान दीजिए, अगर आप कोई सटीक और ताज़ा अपडेट देख रहे हो तो आप टेक इंडिया देख रहे हो। आपकी नौकरी कितनी सुरक्षित है, आपकी आय बढ़ेगी या घटेगी, आपकी अर्निंग में कमी होगी या बढ़ोतरी होगी, इन सब का पता चलता है देश की आर्थिक रफ्तार से, और देश की आर्थिक रफ्तार का पता चलता है जीडीपी के आंकड़ों से। लॉकडाउन के अटैक्स ने जीडीपी में 20% गिरावट का अनुमान लगाया गया था। अब जब SBI इकोरेप की रिपोर्ट आई है तो उसके अनुसार ये गिरावट 16.5 मापी गई है और यह एक बहुत बड़ी रात की किरण है। और इसी रात की किरण के साथ एक और नई रात की किरण जुड़ने जा रही है और वो है सैमसंग का वियतनाम छोड़कर भारत आना। सैमसंग अपने उत्पाद का 50% हिस्सा वियतनाम में तैयार कर रही है, लेकिन सैमसंग अब अगले 5 साल में 3.7 लाख करोड़ के मोबाइल फ़ोन भारत में तैयार करने की योजना पर कार्य कर रहा है। सैमसंग का पहले से ही नोएडा स्थित प्लांट कंपनी का विश्व में सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, जहां पर भारत सहित अन्य देशों के लिए मोबाइल फ़ोन तैयार किए जाते हैं। बात करें भारत की, तो वर्तमान में सैमसंग की भारतीय मोबाइल बाजार में 24% हिस्सेदारी है। PLI स्कीम के तहत सैमसंग व एप्पल के साथ साथ 22 कंपनियां भारत में 11 लाख करोड़ का इन्वेस्ट करेगी, जिससे भारत में 12 लाख रोजगार पैदा होंगे और ये भारतीयों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप YouTube पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, Facebook पे देख रहे हो तो पेज को लाइक कीजिए, और हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो शेयर कीजिए। जय हिंद।